जी तो स्टूडेंट्स, हमारा जो आज का सेशन है वो तकरीबन एंड होने वाला है। कुछ एक्सरसाइजेज जो हमने पावर एक्सरसाइजेज देख रहे थे वो अब हम कंप्लीट करेंगे। तो हमें स्टूडेंट्स मैक्सिमम तकरीबन ज्वाइन कर चुके हैं, मैं आपसे स्क्रीन शेयर करता हूँ। तो हम बात कर रहे थे पावर एक्सरसाइजेज की, उसमें हमने साइड प्लैंक की बात की, उसमें हिप फ्लेक्शन और एक्सटेंशन ऐड कर दी, इसके साथ साथ हमने रोटेशन, अब बॉल के ऊपर सिटिंग में रोटेशन करवाएंगे और साथ में वेट कैरी करवा दें। सो होल्ड करेगा एथलीट या पेशेंट को कितना टाइम पीरियड के लिए ये होल्ड करके रख सकता है। अब इसमें बायोमैकेनिक्स बहुत मैटर कर रही है, आपका एंगल मैटर कर रहा है कि अगर आपने ये 90 डिग्री पे होल्ड किया है और उसको प्रॉपर पोजिशन के ऊपर आपके सारे मसल्स अलाइन हैं। हमने अभी बात की थी कि लेटिस्कस रोट्स आए तो अपर लिम्ब के अंदर बहुत ज़्यादा वर्क करता है, तो हम इसमें लेटिस्कस रोट्स आए को ट्रेन कर रहे हैं। तो इसके अलावा बाकी जितनी एक्सरसाइज हमने की हैं तो सारे के सारे जितने कोर मसल्स थे जो हमने वन बाय वन सारे मसल्स स्टार्ट पे डिस्कस किए थे, अब हम उन मसल्स को ट्रेन कर रहे हैं। तो इसी तरह हम ब्रीथिंग एक्सरसाइज अब करवाएंगे फिजियो बॉल के ऊपर। इससे पहले जब हम स्टेबिलिटी की बात कर रहे थे, जब हम स्ट्रेंथ की बात कर रहे थे, तो हम फिजियो बॉल को अपने लोअर लिम्ब के ऊपर, उसके ऊपर अपने लोअर लिम्ब को फिजियो बॉल के ऊपर रख रहे थे, अपने पाँव को वहाँ पे हम प्लेस करते थे। लेकिन यहाँ पे अब हमने ज़्यादा पावर जनरेट करनी है, ज़्यादा हमने मसल्स को ट्रेन करना है, तो हम हेड को सपोर्ट करेंगे फिजियो बॉल के ऊपर और ये वाली पोजीशन अडेप्ट करेंगे। ये पोजीशन हम हेल्दी पॉपुलेशन को, जो हमारे पास पेशेंट्स हैं, उनको ये करवा सकते हैं। इसी तरह नाज, आपके क्वेश्चन है डायस्टेसिस रेक्टाई के अंदर ये एक्सरसाइज करवा सकते हैं, बिल्कुल करवा सकते हैं। उसके अंदर भी हमारे एब्डोमिनल मसल्स वीक हैं, कोर मसल्स वीक हैं, तो डायस्टेसिस रेक्टाई में ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। हमने अभी बात की थी कि जी टाइटन अब जो टम्मी, तो हमने एब्डोमिनल मसल्स को, टम्मी को स्ट्रेंथन करने के लिए एक्सरसाइज करवाते हैं। यहाँ पे हमारे इसी तरह जो पावर एक्सरसाइज है उसमें हम पुशअप्स ऐड कर देते हैं। ये एडवांस लेवल की एक्सरसाइज है, मैं अगेन बता रहा हूँ कि इसके लिए जब आपने पेशेंट के प्रॉपर सेशंस किए हैं, उसको आप प्रोग्नोसिस बनाया है, उसे आपने 3 से 4 हफ्तों के लिए ट्रेन कर लिया है, तो उसके बाद फिर आप एडवांस एक्सरसाइजेस की तरफ आओगे, तो उसके अंदर हम ये वाली एक्सरसाइजेस करवाएंगे पेशेंट को। एक जनरल मैं आपको टिप दे दूं, जिस तरह सिद्धरा का क्वेश्चन है डायस्टेसिस रेक्टाई के लिए हम एक्सरसाइज करवा सकते हैं। इसके अलावा वो लोग जिनका एब्डोमिनल बल्ज है, पेट निकला है, उनको भी कोशिश करनी चाहिए कि वो अपने जो एब्डोमिनल मसल्स हैं उनको टाइटन अप करके रखा करें चलते फिरते वक्त। ये ट्रेनिंग है, ये 1-2 दफ़ा करने से हैबिट डेवलप नहीं होगी, इसकी हैबिट डेवलप करना पड़ती है, हमें खुद भी ट्रेन होना है। अगर फिजियोथेरेपिस्ट मेल्स हों या फीमेल्स हों, उनको चाहिए कि वो अपने टम्मी को टाइटन अप करके रखें, ड्रॉइंग करके रखें। जब आपकी ये हैबिट डेवलप हो जाएगी, मसल ट्रेन भी हो रहे हैं, मसल स्ट्रेंथन भी हो रहे हैं और साथ में आपका जो पेट बढ़ रहा है वो भी रुक जाता है, तो ये बहुत हेल्पफुल है। वॉकिंग गुड फॉर कोर स्ट्रेंथनिंग। अगर हम ओवरऑल बात करें तो वॉकिंग एक्सरसाइज जो है ये वार्म अप एक्सरसाइज के अंदर हम इसको कंसिडर करते हैं। कार्डियोपल्मोनरी फिटनेस के लिए तो ये वॉकिंग इम्प्रूव हेल्प करती है, लेकिन कोर स्ट्रेंथन के अंदर वॉक का बहुत ज़्यादा डायरेक्ट रोल नहीं है। तो इसके लिए जो स्पेसिफिक एक्सरसाइज हमने डिस्कस की है, ये एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी होगा। अभी जो आपका एक अगेन एंड अगेन क्वेश्चन आ रहा था, साइकिलिंग हेल्प कर सकती है, उसमें लोअर लिम्ब और कोर मसल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, लेकिन उसमें आपकी कार्डियोपल्मोनरी फिटनेस और एंड्योरेंस ज़्यादा हो रही होती है साइकिलिंग में, तो उसके लिए कोर के लिए इन एक्सरसाइजेज को आप मॉडिफाई करके या इन एक्सरसाइजेज में से आपको कोई ना कोई एक्सरसाइजेज ज़रूर करनी पड़ेगी। कंट्राइंडिकेशन ऑफ फॉलोइंग एक्सरसाइजेज, इसमें एक तो एक्यूट इंजरी की हमने बात की थी कि ये सारी एक्सरसाइजेज क्रॉनिक नॉन स्पेसिफिक लो बैक के लिए बहुत हेल्पफुल हैं।
बट हिस्ट्री ऑफ ट्रॉमा है, हिस्ट्री ऑफ ट्यूमर है, या एक्यूट इंजरी है, इन्फ्लेमेशन है, रेडनेस है, स्वेलिंग है, तो जब हम पेशेंट की असेसमेंट करते हैं उसमें हमें ये साइन एंड सिम्टम्स फील होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग फिर हम ये एक्सरसाइजेस नहीं करवाएंगे। तो जो जनरल साइन एंड सिम्टम्स वो इन्फ्लेमेशन, रेडनेस, स्वेलिंग, टेंडरनेस, वेरी सीवियर पेन, तब हम ये नहीं करवाएंगे। ये आपके सामने जो पूरा बार बार क्वेश्चन आ रहा था कि कितने टाइम पीरियड के लिए आपने ये एक्सरसाइज परफॉर्म करनी है और कितनी ड्यूरेशन होनी चाहिए, कितने सेट्स होने चाहिए, तो ये आपसे मैं शेयर करता हूँ कि स्टेबलाइजेशन हमारा फेज वन है। उसके बाद स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, उसमें हमारे पास तीन फेजेस हैं, और उसके बाद हमारे पास जो पावर है वो उसके डिफरेंट हमारे पास स्टेप्स हैं। अब इन सब में देखिए कि हम स्टेबल करने के लिए मसल्स को जो एक्सरसाइजेस करवा रहे हैं, ये तीन एक्सरसाइज यहाँ पे लिखी हैं, बाकी हमने जब स्टार्ट पे बात की थी कोई 14 एक्सरसाइजेस मैंने वहाँ पे लिखी हैं। तो ये जितनी भी एक्सरसाइजेस हैं इन सब में हमने एक वक्त में ट्राई करना होती है कि 1-3 सेट्स अप्लाई करें। ठीक है डॉक्टर काशिप, मैंने आपको मैसेज पढ़ लिया है, मैं आपको रिस्पॉन्ड करता हूँ। तो इसमें हमने रेपिटेशन 1-3 सेट्स करना है एक वक्त में, और आइडियली 12-20 रेपिटेशन के साथ हम ये एक्सरसाइज परफॉर्म करते हैं। यहाँ पे होल्ड टाइम क्यों नहीं लिखा, आपका क्वेश्चन हो सकता है। तो होल्ड टाइम वेरी करेगा पेशेंट टू पेशेंट, कंडीशन टू कंडीशन, तो वो आपने खुद से चेक करना है। जब आप एक सेट कंप्लीट करवा लेते हो उसके बाद एटलीस्ट आप 0-90 सेकेंड, ये एक टाइम पीरियड दिया गया, अगर पेशेंट का सांस फूल गया है, उसे कुछ फटीग हो गई है, तो आप 1-1.5 मिनट के लिए रोक सकते हो। लेकिन रेस्ट पीरियड ज़रूर होना चाहिए हमें 0-90 सेकेंड्स, ये एक रेंज दे दी गई है। इस रेंज में कुछ पेशेंट्स को आफ्टर 10 सेकेंड्स रिलैक्स हो जाते हैं, कुछ पेशेंट्स को 1 मिनट देना पड़ता है रिलैक्स करने के लिए। तो एज रिलेटेड कुछ कंडीशन होती हैं, उसके अकॉर्डिंग फिर हमें रेस्ट टाइम भी ज़्यादा करना पड़ता है। जेरियाट्रिक पॉपुलेशन के अंदर रेस्ट टाइम हमें और ज़्यादा रखना पड़ता है, एथलीट्स के अंदर हम रेस्ट टाइम कम से भी उनको ट्रेन कर सकते हैं। कोर स्ट्रेंथ में एक्सरसाइजेज में डिफरेंट एक्सरसाइजेज हैं जो कि हमारे पीछे एक्सरसाइज प्लान में दी गई हैं, हमने यहाँ पे उसके सेट्स और रेपिटेशन देखने हैं और उसमें रेस्ट टाइम हमने कम कर दिया। स्टेबलाइजेशन के लिए हमारा रेस्ट टाइम ज़्यादा है, जब पेशेंट प्रॉपरली आपने फेज वन में उसे ट्रेन कर लिया है, आप 1 मिनट मैक्सिमम उसे ट्रेन कर लो तो काफ़ी होगा। उसके बाद हमने पावर के ऊपर बात करनी है, तो पावर के लिए हम मेडिसिन बॉल या जिम बॉल जो यूज़ कर रहे हैं उसके ऊपर हमने सारी एक्सरसाइजेज परफॉर्म की हैं। अब हम सेट ज़्यादा करेंगे, 4 सेट्स तक हम लेके जा सकते हैं उस कंडीशन को, और उसमें रेपिटेशंस भी हम 10 रेपिटेशंस तक लेके जाएंगे और रेस्ट टाइम हमारा कम होगा। आई होप सो कि आपने कुछ ना कुछ ज़रूर लर्न किया है। जो आज का आपका टेक होम मैसेज है वो लाजमी याद रखिएगा, क्वालिटी इज सुपीरियर देन क्वांटिटी। आप जितनी अच्छी एक्सरसाइज करवाओगे, जितना अच्छा लर्न करोगे, वो ज़्यादा मैटर करता है। कि आपने क्वांटिटी के ऊपर फोकस नहीं करना, क्वालिटी के ऊपर फोकस करना है आपके जो, और आप ये कर सकते हो, कोई मुश्किल काम नहीं है। अब आपका जो जो क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं। डॉक्टर काशिफ का क्वेश्चन ठीक है, मैंने मैसेज पढ़ लिया। संतोषी कहती हैं कि सर बैक पेन डिस्क बल्ज में भी दे सकते हैं। हाँ, डिस्क बल्ज किस तरह का है, उसमें MRI रिपोर्ट करवाना पड़ेगी, एंटीरियर डिस्क बल्ज और उसकी इंजरी कितने लेवल की है, तो मसल को स्ट्रेंथन करने के लिए हम ये एक्सरसाइजेज प्लान बना ज़रूर करवाएंगे। मस्कुलर प्रॉब्लम है, स्ट्रेचिंग भी बार दफ़ा हमें करवाना पड़ती है, स्ट्रेचिंग के बाद मसल्स रिलैक्स हो जाते हैं, उसके बाद हम स्ट्रेंथ के ऊपर काम करते हैं। तो स्टूडेंट्स आपका जो भी क्वेश्चन है आप क्वेश्चन पूछिए। होप सो कि आप लोगों ने ज़रूर आज कुछ ना कुछ नया सीखा है, तो आपसे आपका फीडबैक मुझे इंतज़ार रहेगा, मुझे खुशी होगी अगर आप लोग फीडबैक देंगे। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर आपके पास होगा, मेरी
जीमेल आईडी आप लोगों के पास है। यूट्यूब पे आप सब लोग मेरा चैनल सर्च करिएगा, मेरे नाम से ही मेरा चैनल है। फेसबुक पे मेरे नाम से पेज है। आज फिजियो एस्कॉर्ट ने हमें यहाँ पे इकट्ठा किया, फिजियो फोर्टम की कोलैबोरेशन के साथ हमने आज का ये सारा सेशन कंडक्ट किया। तो आप लोगों का फीडबैक मुझे अपने फेसबुक पेज के ऊपर, अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर आप ज़रूर दीजिएगा। और ख़ास तौर पे मैं यहाँ पे एक बात करना चाहूँगा कि आप सब लोग मेरे साथ अपने लिए क्लैपिंग ज़रूर करिए। वेरी गुड कि आप लोगों ने अपने संडे में से टाइम निकाल के, ये एक ऐसा टाइम था जिसका कोई आपका एग्जाम्स नहीं है, जिसके लिए किसी ने आपको फोर्स नहीं किया, ये कोई ऐसा लेक्चर नहीं है जिसमें आपके इंस्टीट्यूट ने आपको फोर्स किया हो कि आप नहीं लाजमी लेना है। आप सब ने अपनी मर्जी से ये सेशन अटेंड किया है और कुछ सीखने के लिए किया है। इसके लिए आप सब लोग को मैं शाबाश देता हूँ कि आप सब लोग बहुत ज़्यादा हिम्मत वाले हैं और आपको मैं बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करता हूँ। आप लोगों ने आज टाइम निकाला और ज़रूर कुछ नया लर्न किया है। तो आपको आज का लेक्चर कैसा लगा, आप लोगों ने क्या लर्न किया, आप अपने जो है ना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और इस इन प्लेटफॉर्म के ऊपर आपने फीडबैक देना है। और आज के सेशन के एंड पे मैं डॉक्टर सैयदा एमन ज़ाहरा का, डॉक्टर जहांज़ेब रसूल का और डॉक्टर फैज़ुर रहमान का स्पेशल थैंक्स करता हूँ कि उन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी कि मैं कुछ अपने व्यूज़ आप लोगों से शेयर कर सकूँ। कुछ जो मेरे पास क्लिनिकल स्किल्स हैं तो मैं अपने जूनियर्स को दे सकता हूँ। बच्चों, अक्सर मैं बात करता हूँ कि हमारी फिजियोथेरेपी फील्ड में कैरियर काउंसलिंग ना होने के बराबर है। हमारे जो सीनियर्स हैं बाज़ दफ़ा वो हमें डी ट्रैक कर देते हैं, मिस गाइड कर देते हैं। तो मेरी कोशिश ये है कि एटलीस्ट सीनियर्स को तो हम नहीं बदल सकते, लेकिन जो हमारे फेलोज़ हैं, जो हमारे कोलीग्स हैं, जो हमारे जूनियर्स हैं, उनको हम जितना एंटरटेन कर सकें, जितनी गाइडेंस प्रोवाइड कर सकें, तो मुझे बहुत खुशी होती है कि अगर कोई जूनियर, कोई स्टूडेंट गाइडलाइन लेना चाहता है रिलेटेड टू आर फील्ड, रिलेटेड टू फिजियोथेरेपी। तो फिजियोथेरेपी बहुत वास्ट फील्ड है, इसको अच्छे से लर्न करिए, अच्छे से सीखिए, स्किल्स अपनी इम्प्रूव करिए। तो ये स्किल्स आपको काम आएंगी, आपकी अपनी ज़िंदगी के अंदर बहुत हेल्प करेंगी। और अक्सर स्टूडेंट्स ये पूछते हैं जी सर फिजियोथेरेपी से कोई फ़ायदा होता है, तो बच्चों वो ये क्वेश्चन वो स्टूडेंट करते हैं जिन्होंने कभी पेशेंट डीलिंग नहीं की। अगर आपका एक भी पेशेंट ठीक हो जाता है और वो आपको जितना पॉजिटिव रिस्पांस देता है, आपके 5 सालों की थकावट, आपके 5 सालों की मेहनत जो आपने डिग्री हासिल करने के लिए की है, आपको वो सारी थकावट भूल जाती है। तो आप अपनी फील्ड के साथ वो, हाँ एक और बात मैं यहाँ पे शेयर करना चाहूँगा, तो वो लोग जो इस फील्ड में सिर्फ डॉक्टर के टाइटल की वजह से आए थे, वो अब बाय चांस आ गए हैं, सर्कमस्टांसेस उनको ले आए हैं जिस तरह भी, लेकिन आप कोशिश करें कि आप फील्ड में आ गए हैं तो इस फील्ड को एक्सेप्ट कर लें। जब आप एक्सेप्ट कर लेंगे तो अल्लाह ताला आपको इज्जत भी देगा, रिस्क भी देगा, आपके लिए आसानियाँ भी पैदा होंगी। तो फील्ड को एक्सेप्ट करिए, फील्ड से रिलेटेड, फिजियोथेरेपी से रिलेटेड आपको कोई क्वेश्चन हो, कोई प्रॉब्लम हो, आपके पास सोशल मीडिया के डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं, आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, आप अपने क्वेश्चंस के आंसर्स मुझसे पूछ सकते हैं। और मुझे बहुत खुशी हुई कि हमारे पास बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स थे, अभी 65 हो गए हैं, लेकिन इससे पहले हमारे पास 80 पार्टिसिपेंट्स आज हमें ज्वाइन किए रखा। तो आप सबका बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला आपको खुश रखे। आपका कोई क्वेश्चन है तो अब आप पूछ सकते हैं, वरना फिर हम आज का सेशन एंड करते हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने आज कुछ ना कुछ तो लर्न ज़रूर किया होगा। चले बच्चों, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, कोई मसला हो तो कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि अगर आपका बड़ा वार्म रिस्पांस रहा तो हम इस तरह के रेगुलर बेसिस के ऊपर वेबिनार कंडक्ट करेंगे। मैं ये मीटिंग एंड करने लगा हूँ। अल्लाह हाफिज़।